हेलो स्टूडेंट आई एम योर ज्योग्राफी टीचर विवेक फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल स्टूडेंट दिस यू चैप्टर नाइन्थ, नेचुरल वेजिटेशन एंड इन दिस चैप्टर टुडे बी डिस्कस नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया सो इन इंडिया नेचुरल वेजिटेशन डिवाइड पार्ट बेसिकली द मेन फोर पार्ट और टुडे वी डिस्कस यर The first part the tropical evergreen forest. Okay, so in this chapter, we discuss the last videos, introduction part of natural vegetation and which factor that affect the natural vegetation. Okay. So hopefully Akubu understood ho and now will we discuss here. Next part of the chapter that is a natural vegetation of India. Okay. So although

शेल्टर की नीड पड़ रही हम बहुत सारे एरिया पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं फॉर वेजिटेशन को एंड दैट एरिया में हम कल्टिव कल्टीवेशन कर रहे हैं और अपने शेल्टर या हाउस बना रहे हैं ओके सो स्टिल नाउ फिर भी हमारे अर्थ सरफेस में हमारे इस अवर कंट्री में एक लार्ज पार्ट जो है वो वेजिटेशन से कवर है ओके सो वराइटी ऑफ क्लाइमेट टिक एंड रिलीफ कंडीशन मेक इंडिया सुटेबल फॉर अ Of कि हमारे कंट्री की जो वराइटिंग टूट ऑफ प्लांट यहाँ पर एंड नाउ टबाउट विच एरिया इंपॉर्टेंट एरिया हिमालय रीजन तो हिमालय आर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बेहर द नेचुरल वेजिटेशन स्टिल बाकी अदर एरिया में डे बाय डे जो वेजिटेशन डिक्रीज होती है ओके अकॉर्डिंग टू सर्वे कि पर्टिकुलर कंट्री में अगर हम हेल्दी लाइफ सर्वाइव करना चाहते हैं तो नियर अबाउट थर्टी परसेंट एरिया शुड बी कवर विद फॉरेस्ट बट नाउ स्टिल इन अवर कंट्री 21 टू तो 22 परसेंट एरिया ही लेफ्ट रह गया दो हजार कवर विद फॉरेस्ट ओके okay? सो so नाउ कहीं ना कहीं हमें नीड है अभी मोर प्लांट ग्रो करने की ओके okay? अगर हम हेल्दी इन्वायरमेंट चाहते हैं इन अवर कंट्री ओके सो इंडिया आउटसाइड हिमालय रीजन इज डिवाइडेड इन टू फोर वेजिटेशन इंडिया की टोटल जो वेजिटेशन है इसको फोर पार्टमेंट किया है सॉरी फाइव पार्टमेंट किया फाइव पार्ट, ओके? सो tropical deciduous forest tropical desert littoral forest or mountain forest okay so we discuss here all the point in detail in the chapter but today we discuss only first part the tropical evergreen forest in detail okay so here uh, first your type of vegetation तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और यू से द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो सेम थिंग्स ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्वेश्चन टू मार्क्स का पुट होता है और ओके okay? तो फर्स्ट क्या है कि दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विद एन एनअल रेनफॉल ऑफ टू हंड्रेड सेंटीमीटर और मोर देन ओके

हाई हो और टेम्परेचर हाई हो तो की इन सरफेस नियर द इक्वेटर सर पड़ती है तो होता है और वहां थ्रू रेनफॉल भी इक्वेटर ऑलवेज एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं ओके सो इन दिस फॉरेस्ट ट्री ग्रो वेरी बिगोर्सली बिगोर्सली मीन वेरी फास्टली इंक्रीज करते हैं रीचिंग हाइट अप टू द अब ओके मीनस ड्यू दाई टेम्परेचर और ड्यू टू हैवी रेनफॉल ये जो ट्री होते हैं ये बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं और उनकी हाइट अबाउट सिक्सटी मीटर या मोर देन सिक्सटी मीटर्स तक इंक्रीज हो जाती है ओके एंड और दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आते हैं हार्ड बुट ट्री होते हैं ओके एंड वेयर इट फाउंड ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूर्ण होता है कि इन विच रीजन वेयर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अवर

ओके, सेकंड, असम, ठीक है हमारा जो ईस्ट मोस्ट असम, बंगाल उड़ीसा एंड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार लैंड, एरियाज़ एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अवर कंट्री सो वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट असम मेघालय त्रिपुरा, नागालैंड आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल उड़ीसा अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप दिज ऑल एरिया बिहर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड ओके सो आफ्टर दैट सम एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट इज द इवोनी मेहोग्नी रोजबुड रवर्ड एंड सिंचोना okay this is all the evergreen forest switchna is a medicine plant hai. okay and an important characteristics of this forest type of type is that a large number of species are found together it create difficulty in the commercial use of any particular variety okay so uh, before uh, this point i' just going to explain, I'm point to discuss. लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑनली दो एरिया मोर देन टू हंड्रेड सेंटीमीटर ओके दैट मीन की एवरग्रीन फॉरेस्ट वो लिमिटेड एरिया में और सेकेंड थी ड्यू टू दाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होने की वजह से ये ट्री इतने डेंस होते हैं कि यहाँ से क्रॉस करना या इसको भी कैसे कट करके ले जाना डिफिकल्ट होता है सेकंड कि इन ट्रॉपिकल एवर फर्स्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ वराइटीज मिलते हैं नॉट ओनली वन टाइप ऑफ ट्री जैसे डसीडीज जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वहां पर वन टाइप ऑफ वराइटीज मिल सकती है लेकिन इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरियाज में

चर और हेवीर होने की वजह से दिस इज बिकॉज ऑफ वार्मर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर हाई और प्लेंटी ऑफ वाटर टू मच रेनफॉल होने की वजह से ये एवरग्रीन रहते हैं ओके एंड द फ्लोर लैक्स ऑफ ग्रास बिकॉज ऑफ डीप शेड कि इसकी जो डाउनवर्ड पार्ट होगा वो ऑलवेज क्या होता है लैक ऑफ ग्रास नीचे कुछ नहीं होगा जस्ट बिल्कुल वो डीप इन साइड नहीं पहुंच पाती है बिकॉज अपसाइड आप, आप इतने क्लोज इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं कि आपकी जो सनलाइट है वो डीप इन साइड अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं पहुंच पाती है फ्लोर लैक्स ग्रास बिकॉज ऑफ डीप शेड ओके सो दिस टॉपिक वी डिस्कस टूडे हेयर your topic natural vegetation of india and today we discuss here the tropical evergreen forest thank you